ये तुमसे बहुत मानूस है। मुझे भी इससे प्यार हो गया है चंद ही दिनों में। प्यार का जवाब हमेशा प्यार से ही देना चाहिए। गुनेश कहाँ है? गुनेश साहब आपके कमरे में सो रहे हैं। गुनेश ठीक हो जाएगी क्या? इंशाल्लाह। अगर तुमने रहने का फैसला कर लिया है तो ये लो तुम्हारी तनख्वाह। किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना। आपका निहायत शुक्रिया। ख्याल रखना। नजमी सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरा आईडी कार्ड गायब है, मैं बनवाना चाहती हूँ नया, लेकिन वो घर का पता मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ का पता दे सकती हूँ? ठीक है। मैं कल काम से छुट्टी लेना चाह रही हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं गुनेश को कल बाहर लेकर जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें मुख्तार से भी मिलवा दूंगा। नहीं, आप जहमत मत करें। जहमत नहीं, तुम्हें जरूरत होगी अपने लिए कुछ सामान भी खरीद लेना। ठीक है, मैं गुनेश साहिबा को देख कर आती हूँ। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हें बताना चाहिए था कि जोहरा कहाँ जा रही है। जोहरा ने मना किया था, वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ पता चले। उसने गुजारिश की थी मुझसे। खैर, फिलहाल सब्र करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। सब ठीक होने में वक्त लगेगा। सही कहा तुमने, मुझे रवायदा को पहले तलाश करना होगा। एक अजीब सा बोझ महसूस कर रहा हूं, जो जीने नहीं दे रहा मुझे सुकून से। और जोहरा एक अजनबी इंसान के साथ रह रही है, ये बर्दाश्त करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। समझ रहे हो? वो एक माकूल इंसान है नजमी दमीर, वो एक मुखय्यर आदमी के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी जिंदगी का असल मकसद जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। उन्होंने बच्चों के लिए तालीम की बुनियाद रखी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जैसे वो हैं। उन्होंने बजाते खुद जोहरा के तमाम अखराजात उठाने का फैसला किया है। कैसे जानते हो उस आदमी को तुम, बताओ मुझे। ये एक लंबी कहानी है। मतलब कि उस आदमी के बारे में तुम भी ऐसा सोचते हो, तुम गलत भी हो सकते हो। लोग आसानी से तब्दील नहीं होते हैं। ये तो ठीक कहा तुमने। छोड़ो, जोहरा को उसके हाल पर छोड़ दो। यकीनन उसे इससे बेहतर कोई और नौकरी नहीं मिल सकती थी। तुमने खुद ही कहा कि तुम फिलहाल रुवैदा को ढूंढना चाहते हो। अपने आप को वक्त दो। परेशानी और मुसीबतें हमेशा ही रहती हैं। हाँ? चलो, उम्मीद रखो कि सब अच्छा होगा। बस ठीक है, समझ गया। चलो चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। मुझे उस लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाना है। ठीक है। छोड़ दो, मैं दे रहा हूँ। अरे मैं अदा कर देता हूँ। अरे हमेशा तुम ही देते हो यार। अच्छा, चलो छोड़ दो, क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल रहम नहीं होता? ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं, चुपचाप चलो। मुझे मजबूर मत करो। चलो अंदर चलो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो नुकसान उठाओगी। किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? शराफत से चलो।
अरे चलो, रोने धोने का कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। चलो। मुझे बचा। समझ नहीं आता तुम्हें? देखो शराफत से मेरी बात मान लो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, बस करो। मुझे बचा लो, प्लीज। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो अंदर जाओ, खामोशी से अंदर जाओ, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, समझ गई तुम? चलो अंदर, चलो। खुदा के लिए मेरे हाथ पर रहम करो, तुम लोग दरिंदे हो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। कौन है ये लड़की आखिर? ये लड़की सईद की बहन है रोएदा। उन्होंने इस लड़की को कहां से तलाश किया है? चुप हो जाओ लड़की, चुप हो जाओ। वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? आप लोग उसे यहाँ पर क्यों लाए हैं? बताएं मुझे। शर्मा तुम अंदर जाओ। जाकिर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो लड़की यहाँ क्या कर रही है बताओ मुझे। बाबा ने तुमसे कहा ना कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। जोहरा पर जुल्म करने से दिल नहीं भरा तो अब उस मासूम लड़की को निशाना बना लिया आप लोगों ने? आप लोगों को किसी पर रहम नहीं आता, क्या चाहते हैं आप लोग उससे? ये सवाल अपने बेटे से करो, वो लाया उसे। वो लेकर आया है? हाँ वो ही लाया है। अब कान खोल कर सुन लो, जोहरा की तरह अगर उसको फरार करने में तुमने मदद की तो याद रखना मैं तुम्हें चांद से मार दूंगा। कान खोल के सुन लो। यास। जी साहब। किसी को भी इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए कि वो लड़की यहाँ कैद है, समझ आई तुम्हें? जैसे आपका हुक्म। जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। अली बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे बाबा सच बोल रहे हैं? तुम वाकई उस लड़की को लाए हो यहाँ? तुम्हारे बाबा ने झूठ कहा है ना? जानती हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने किया है अम्मी। मुजरिम हूं मैं। रुवैदा को मैंने ही बाबा के हवाले किया है। रुके अम्मी, आइंदा मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा।
अच्छी लग रही है, क्या हो रहा है? शुक्रिया बेटा, कैसे हो तुम? मैं बस शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, तुम बताओ। वो सुबह अचानक कहाँ चले गए थे तुम? कोई परेशानी है? जोरा को ढूंढ लिया मैंने। कहाँ ढूंढ लिया? कहाँ है वो? किसी घर आजकल मुलाजमत कर रही है। ठीक तो है ना वो? ठीक है। चलो अच्छा है। ये आपके लिए लाया हूं मैं। मेरे लिए? मगर इसकी क्या जरूरत? जरूरत थी अम्मी, आपके पास फोन होना चाहिए ताकि मैं आपसे रब्ता कर सकूं। फिक्र न करें, आप इसे आसानी से चला सकती हैं। अपने पास रखिए इसे, और इसके अंदर मैंने आदिल और अपना नंबर भी डाल दिया है वैसे। शुक्रिया बेटा। अगर आप चाहें तो बाबा का भी नंबर डाल दूं इसमें? नहीं, मुझे जबानी याद है, इसलिए रहने दो। कुछ चाहिए आपको? मैं बाहर जा रहा हूं अम्मी। नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं, घर में हर चीज मौजूद है। ठीक है, फिर देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। नहीं अम्मी, कुछ नहीं खाना, अगर कोई काम हो तो फोन कर लीजिएगा। ठीक है। मेरा बेटा, हर चीज ठीक हो जाएगी अम्मी, मैं रुवैदा को वापस लेकर आऊंगा, वादा। इंशाल्लाह। की नींद पूरी हुई? बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे अपने आप से नफरत हो चुकी है अब तो। जिंदा क्यों आखिर मैं? तुम कितनी खूबसूरत हो, और मुझे देखो जरा। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आप भी बहुत खूबसूरत इंसान हैं। तुम्हारे पास खेलने के लिए डॉग है, एक जिंदा दिल लड़की हो, मुझे रश्क आता है तुम्हें देखकर। मगर मैं, मेरी जिंदगी मौत से बदतर है। गुनीश मैम, अक्सर जो दिखाई देता है वो हकीकत नहीं होती। हर शख्स को अपना दुख बड़ा लगता है। तुम्हें क्या परेशानी आखिर, बताओ कि नहीं? क्या मुझे? मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हो कौन तुम? कहां से आई हो? सईद कौन है? मुलाकात कैसे हुई थी? कैसे जानते हो एक दूसरे को? ये सब बताओ, बताओ ना मुझे। इस्तांबुल आ गई हूं मैं। आप सईद का ताल्लुक मेरे अबाई इलाके से है। कुछ दिन मैं सईद की फैमिली के साथ रही हूं, और बस। सईद, क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ है? कुछ नहीं है। एक दूसरे को कैसे देख रहे थे? देखा था मैंने। मुझे तो ऐसा लगा कि वाकई कुछ है। ऐसा नहीं है। सईद कितना हैंडसम लड़का है ना। गुनीश साहिबा, मैं आपके लिए ताजा ऑरेंज जूस बनाकर लेकर आती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? क्या आप जोरा की तरह इससे भी शादी करना चाहते हैं? अपनी बकवास बंद करो। मुझे आपका मसला समझ नहीं आ रहा। मेरा मसला वो लड़की नहीं, कुछ और है। जोहरा आएगी और रुवैदा वापस जाएगी। और सईद का क्या होगा? सईद का पीछा छोड़ दे बाबा, भूल जाए उसे। तुम बकवास बंद करो। सईद को ये पता ना चले कि रुवैदा हमारे कब्जे में है। आपको सिर्फ जोरा की फिक्र है। मेरी बात सुनो बेटा, हम बैक वक्त दोनों का शिकार नहीं कर सकते। आने दो जोहरा को, फिर सईद के साथ जो चाहे करो, मुझे इतराज नहीं। दादा, इस किस्से को खत्म कर दे प्लीज। तुम्हें बाबा ने क्या कहा? इस मसले से दूर रहो, हमें समझाने की जरूरत नहीं।
हाँ तो फिर ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और अगर जोरा आपको नहीं मिली तो आप मेरे बीच में नहीं आएंगे। सही है, मुझे मंजूर है, लेकिन उस सब के लिए मुझे जोरा को यहाँ एक बार बुलाना पड़ेगा। किसे मिला रहे हो? इब्राहिम को मिला रहा हूँ, और किसे? वो रोहिदा को ले जाएगा और जोरा को छोड़ जाएगा। परेशान ना हो, जोहरा ने सईद का घर छोड़ दिया है। झूठ बोला है उसने आपसे, उसके पास कौन सी जगह रहने की बाबा? उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। इतना यकीन क्यों है? सब समझता हूं मैं। जी बोलिए। जब्बार, कितना सुकून मिल रहा है ना? बिल्कुल। वो इसे वॉल्स कहते हैं। जी मैंने सुना है, बहुत पसंद है मुझे ये। डांस कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। सईद को म्यूजिक में दिलचस्पी है? वो सुनता है क्या? पता नहीं, ज्यादा याद नहीं आ रहा। शायद मौसीकी शौक से सुनता होगा सईद। हारमोनियम वगैरह बजा लेता है, साज वाला? पता नहीं मुझे। तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो ना? ज्यादा नहीं जानती। करता क्या है वैसे सईद? एक फनकार है, पत्थर तराश है। पत्थर तराशता है वो? उनमें जान डालता है, तराश कर अपने हुनर से उन्हें हीरा कर देता है। बहुत डिफरेंट काम करता है। खुश रहिए। शुक्रिया भाई। खुश रहो भाई। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया मेरे। मजे से खाइए। कितने पैसे हो गए? 50 रुपए। ये ले, ये रख। शुक्रिया।
जी बोलिए। हेलो, मैं गुनेश तमीर। आपको याद आया, सुबह आपने मेरी जान बचाई थी। जी बिल्कुल याद है मुझे। सब खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है, मगर मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। ठीक है, बोलिए। नहीं नहीं, फोन पर बात नहीं हो सकती। मैं सोच रही थी कि क्या हम मिल सकते हैं अगर बुरा ना माने। आपके घर पे? हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज बात मान लीजिए मेरी। देखिए प्लीज, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आ जाऊंगा मैं अगर जरूरी है तो। मैं वेट करूंगी। उस तरफ कौन आदमी खड़ा है? उस तरफ हारून है भाई। ठीक है, तुम गाड़ी को आगे ले जाकर पार्क कर दो ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। जी कहिए भाई। मैं अपना फोन क्लब में भूल आया हूँ, क्या लाकर दे सकते हो? लेकिन भाई मैं पास लेकर आओ, अभी चाहिए। जैसा आप कहें भाई। माफ करना मुझे चप्पल। अब तुम यहां पर क्यों आए हो? कोई सुन लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ अल्लाह के वास्ते। हाँ, जैसे वो जानते नहीं मैं यहां हूं। उन्हें मालूम है कि तुम यहां हो मगर मेरा नहीं पता। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहां हो तो क्या होगा? क्या वो तुम्हें मार देंगे? मालूम नहीं, शायद। तुम्हें तो खुशी होगी। पता नहीं क्यों आए हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वाह भाई, तुम तो बहुत अजीम इंसान हो। जब मुझे अगवा किया था तब रहम नहीं आया मुझ पे। रुवेदा, मैं शर्मिंदा हूं। तो मुझे जाने दो, ठीक है?
मजबूर हूँ मैं। तो फिर तुम्हारे यहाँ आने की क्या वजह है? माफी मांग लाए थे क्या? फिर कह रहा हूँ मेरे आने की वजह ये थी कि तुम्हें मेरी जासूसी करनी थी, है ना? नहीं रोएदा, तुम यहाँ से फरार नहीं हो सकती। हमारे आदमी पहरा दे रहे हैं। जोरा पे गुस्सा थी मैं, उसे कसूरवार ठहराया हर बात पे। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं मैं, अपने हवास भी खो बैठी थी। हालात ने मुझे सख्त बना दिया। रुएदा, चलो मेरे साथ आओ, आ जाओ। ये तुमने क्या किया? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हद है, सब कुछ फेंक देते हैं ये लोग। आ जाओ। उफ, इस घर के तो काम ही खत्म नहीं होते। जल्दी आओ। रुको, आहिस्ता से। पीछे हटो। मेरे पास दरवाजे की चाबी मौजूद है, लेकिन तुम्हें दूसरे दरवाजे से निकलना होगा। तेज चलो, चलो। शाबाश अब्बास, अच्छा किया कि तुमने मुझे बता दिया। इस तरफ। लम्हा कितना खूबसूरत है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दुनिया को चीख चीख कर बताऊं कि सईद से कितना प्यार करती हूँ। सईद के साथ ये दुनिया जन्नत लगती है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे अंदर की हर बुराई खत्म कर दी। यूं लग रहा है जैसे मुझे पर लग गए और मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। तुम मिल जाओ बस, मैं दुनिया की तमाम खुशियाँ तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। कोई रा